जिन्हों का पीला पंजा ते डंडा अक्सर गरीब महत्तर बंदियां ते झुग्गी झोंपड़ी वाले ते चलता नज़र आता है। जगह जगह एनक्रोचमेंट के नाम के उत्ते बिल्डिंग बायलो उलंघना के नाम के उत्ते लोगों के गरीबों के घर तोड़े जाते हैं। उत्थे ही जदों किसी रसूखदार या किसी पैसे वाले का मामला सामने आता है तो लुधियाना निगम के अफसर दियाँ थले तो लैके अखा उपर तक सब कि बंद हो जाती है। इसकी तुम्हें एक वधिया ताज़ा मिसाल अज दिखाने। रुक जाओ विनय जी, रुक जाओ, मिसाल विखावांगे। नगर निगम दे कच्चे चिट्ठे भी सब दे सामने रखांगे, पर थोड़ा जिहा सबर करो। पहला साडे दर्शकों नूं कुछ तस्वीरां विखा दईए कि किवें लोकां दी जान नूं खतरे च पाया जा रहा है, किवें चंद पैसियां दी खातर किसी दी जान नाल खेडिया जा रहा है, किवें अमीरजादे आम लोकां नाल धक्का कर रहे ने। लो विनय जी, हुण दसदिआं मामला। शायद कुछ लोग तस्वीरां वेख के समझ गए होणगे। खैर, जिन्हां नूं समझ नहीं लगी तां असीं दस दिंदे आं, क्योंकि साडी तां ड्यूटी है भाई। दरअसल लुधियाना दे सर्कुलर रोड दे 600 गज दी जगह ते एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिस च 30 फुट तक बेसमेंट पुट दित्ती गई है। इस दे कारण नेड़ले रहिंदे लोकां दे घरां च तरेड़ां आ गईआं ने, जिस तों लोक डाढे परेशान हो रहे ने। 600 गज की बिल्डिंग तैयार की जा रही है, जिस दे विच जो कि उस बिल्डिंग मालका ने सड़क के लैवल तो करीब 40 फुट थले तक अंदरों खोद के माइनिंग करके थले बेसमेंटा बना लिया और सड़क के लैवल तो 40 फुट थले तक जाके उन्होंने अपनी बिल्डिंग जो कि तैयार कर रहे हैं। तो तस्वीर दिखाने कि इस टाइम सब तो पहले तुम्हें यही तस्वीर दिखावे। वो तस्वीर जी है, सब तो पहले देखो कि एक गली जी सड़क जिसे नीचे बिल्कुल सामने सड़क का तुम्हें लैवल नज़र असं दिखा रहे हैं कि एक लोहे का गेट लग्या वो जी सड़क है। यह है जो कि सर्कूलर रोड के उत्ते सड़क का लैवल, जिथे तक कि सरकारी तौर पर सड़क का लैवल है। और उस तो बाद अगली तस्वीर जी है वो अगली तुम असं दिखा रहे हैं, जी सारे नियम कानून छिके टंग के इतने बिल्डिंग तैयार की जा रही है। ये वो बिल्डिंग है जिड़ी कि 600 गज जगह एक पूरे कंजस्टिड भीड़ भाड़ वाले इलाके तैयार की जा रही है। इतने तुम देख सकते हो सामने बिल्कुल जिथे एक लक्कड़ दरवाजे पे ने, यह उस गली के नाल का सड़क का लैवल है जी असं तुम हमने सड़क की तस्वीर दिखाई है। और इस ही हम इस तो अगे तुम देख सकते हो कि उत्थे डूंघियाई के नाल थले अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है कि सड़क खोदी गई है और सामने पौड़ियां ने जो कि इस सामने तस्वीर जो नज़र आ रही है उस बिल्डिंग की। इसके अलावा पिछों जो पौड़ियां उतर रही हैं और जे करीब एक तो डेढ़ मंजिल होर भी ये नीचे बनी हुई है। हुण जदी ये इन्नी इतने खुदाई की गई सारा कुछ होने तो बाद जी बिल्कुल नाल एक रिहायशी बिल्डिंग है जिदे विच कि परिवार रहिंदे है, इत्थे जी इलीगल माइनिंग करन तो बाद सारा कुछ किया गया, उस परिवार के घर के जमीन च दुआरों से त्रेड़ा तक आ गई और उन्होंने छत्ता तक उखड़ गई। तां वेख्या तुसीं किस तरह नगर निगम की मेहरबानी नाल इलीगल ढंग नाल बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह तो एक पासे दीयां तस्वीरां सन, हुण तुहानूं कुछ होर तस्वीरां भी विखाउंदे आं जो वेखदिआं ही तुसीं हैरान रह जाओगे। असीं तुहानूं हुणे दिखाया एक लोहे का गेट जिथों की अंदर तुहानूं असीं बिल्डिंग बंदी दिखाई है, हुण उस तो बाद असीं उहदा दूजा पासा तुहानूं दिखा रहे हैं कि इस सड़क तो किस तरीके नाल किन्नी माइनिंग की गई है। असीं तुहानूं दिखाने तस्वीर कि किस तरीके दे नाल इत्थों दी सड़क किन्नी कु दूर हैगी है जिथे सारिया जगह बनिया हुई हैं। ये तस्वीर तुहानूं सीधे तौर पर दिखाएगी कि किस तरीके दे नाल इत्थों दी तुसीं सामने देख सकते हो कि पौड़ियां उतर रही ने और सामने सड़क है। और जिहड़ी दूसरी अहीं तुहानूं लोहे के जंगले के अंदर की बिल्डिंग दिखाई है वह बिल्डिंग इस उस बिल्डिंग के अगे भी इदां ही जगह सी जी सरकारी जगह उन्होंने कवर करके माइनिंग करके सड़क के लैवल तक अपनी बिल्डिंग थले तक लिजा के कंस्ट्रक्शन की जा रही है। स्थानक लोग परेशान ने, हताश ने, डर रहे ने कि किसी भी समय उन्हों का मकान डिग सकता है। कई बार उच्च अधिकारियों तक शिकायत भी की गई पर कोई कार्रवाई ना हुई। घट्टो घट शिकायत कापियां तो कुछ अजिहा ही बयान कर रही ने। जदों इस मामले च कोई विभागी कार्रवाई ना हुई तो उन्होंने खुद बिल्डिंग मालकां खिलाफ एक्शन लिया ते उन्होंने रोकने की कोशिश की गई। तो बिल्डिंग मालकां ने शिकायतकर्ता की कुटमार ही करनी शुरू कर दी। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे च भी कैद पई है। इस मामले बारे शिकायतकर्ता सोनू सूद नाल गलबात की गई तो उसने बिल्डिंग मालकां ते कई गंभीर इल्जाम लगाए। की क्या उन्होंने, सुनते हैं।
जिहड़ी बिल्डिंग है कंपाउंड नहीं हो सकती सी, 600 गज का कंपलैक्स बना रहे हैं, जबकि कॉरपोरेशन ने कई बंदे ने इन्हू कंपाउंड करता है। मैं हम अफसर नाम तो मैंने इस बारे पता नहीं है। RTA के मैं अपना एक जवाब मंगया कि बिल्डिंग कंपाउंड करके कि फीसा जमा कराई गई, जबकि बिल्डिंग कंपाउंड नहीं हो सकती थी। तो मैंने उस एक होर खुलासा होया वै, उन 40 गज का जो मालिक से अशोक जैन, तो उन्हें अपनी जगह 100 गज की कंपाउंड कराती, जबकि वो 40 गज का मालिक है। वो 100 गज के पैसे कितना कमाउंड भर देगा, मैंने तो समझ नहीं आती। कॉरपोरेशन वाले ने कि सब ने कमाउंड की बिल्डिंग में, इन 4-5 चलान कटे गए बिल्डिंग के, जिंद जे बंद 152 गज जगह से उनका 100 गज कमाउंड करती है, जेडे बंद 40 गज जगह से 100 गज कमाउंड करती है। मैंने इस बारे कुछ नहीं पता किदा की है, उन्हें मेरे को सारे डॉक्यूमेंट है RTA के थ्रू मैं कढ़ाए हैं कॉरपोरेशन तो, जो मेरे को उत्थे आ गए हुए हैं। ये कंपाउंड जी होंगी है ये कि थ्रू जो अफसर बैठे होने थ्रू ही होगी ना कंपाउंड हूँ, तो मैंने जी अंदरली गल पता नहीं है कि थ्रू होगी, लेकिन जो भी किया उन्होंने कमाउंड करें बिल्डिंग नहीं सी है, कंपलैक्स बनता पे, जबकि कंपलैक्स कमाउंड होना उन्हें नहीं। नहीं एक हूँ तो सरकार वालों एक नवे ऑर्डर भी आ गए हैं, एक इन्होंने कहता भी जी चीज़ है जी नॉन कंपाउंडेबल है कंपाउंड हो नहीं सकती, भाई जिनी जगह कंपाउंड होने होगी वो करेंगे बाकी तोड़नगे वो। तो हूँ सर मेरे तो इस बार पता नहीं है, मैं तो आम नागरिक है, हूँ इस बारे तो अफसर ही दस सकते हैं कि है कि नहीं मैटर है इस बारे, हूँ तुम थोड़े वालों चैनल के माध्यम से असं आवाज़ उठावे कि यह कार्रवाई अगली हद तक की जाए। मामला भखदा विखाई दिता तो विभागीय अधिकारियों के नाल गलबात करने की कोशिश भी की गई, इत्थे तां जनाब बहादुर कैमरा सामने आंदे ही मौन धारण कर गए। असी इस टाइम मौजूद हाँ नगर निगम जोन ए दे विच ATP मोहन सिंह दे रूम दे बाहर, जिथे कि जिहड़ी सर्कूलर रोड दे बिल्डिंग दे मामले च असी इन्हां दा पक्ष लैण आए सी, लेकिन इत्थे जिहड़े ATP मोहन सिंह ने सीधे तौर ते उन्हां दा कहना है कि वो कैमरे अगे नहीं आ सकते, कि वो बाइट नहीं देणगे, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड जरूर यह कह रहे हैं कि मैं उस साइट नहीं देखी, जिहड़ी साइट है उन्होंने इंस्पैक्टर ने देखी है उन्हें ही पता वा, और सीधे तौर पर इस चीज़ को डिनाई किया जा रहा कि इत्थे कोई बेसमेंट बनी ही नहीं ते ना ही उत्थे कोई वध रहा, मतलब सीधे तौर पर उस बिल्डिंग वालिया के हक की गल की जा रही है। हुण इस तो बाद जिहड़ा यह सारा मामला सामने आया इस दे विच की सच्चाई है और की उत्थे वायोलेशनस ने, यह सारिया चीज़ों का जो अफसर की जाँच तो बाद क्लीयर हो गया, लेकिन यह जिहड़ा सारा मामला सीधे तौर के उत्ते जो कि नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच से सवाल खड़े कर रहा है कि जिहड़े इन्ने सारे सबूत रजिस्ट्रियां कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट वायोलेशन होने के बावजूद जो कि इत्थे दे अफसरां नूं बिल्कुल उत्थे कोई भी नेगलीजेंसी कमी नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन नवल दे नाल विनय दुआ, PTC न्यूज़ लुधियाना।